अब ये अजान के बारे में भी आखिरी बात है, सुन लीजिए, फिर अपनी दुकान बढ़ाते हैं, क्योंकि शायद धूप वगैरह भी निकलने लगी है। ये कबूतर भी कुछ ज़्यादा तेज़ तेज़ चूँ चूँ करने लगे हैं, चिड़िया भी चिल्ला रही हैं ज़्यादा। अजान जो है ना रातों को 10 बजे हो रही है घरों में, तो इसमें बाज़ क्या कहें उनको, बदअकीदा लोग जो है ना, तो इसमें इसको जो है ना गलत बताते हैं कि जी अजान होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि छतों पे अजान हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, पहले तो मैं ये समझ रहा था कि आप लोग क्योंकि काम पे अपने जो है ना बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए शायद ज़्यादा अकल नहीं लगा पाते होंगे, काम की मसरूफियात रहती है, लेकिन फ़िलहाल तो आप लोग खाली बैठे हो, तो उस वक्त तो थोड़ी जगह इस्तेमाल मैं समझता हूँ कि कर लेना चाहिए। अभी काम का भी आप बहाना नहीं बना सकते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अजान दी जाती है ना, तो शैतान पीठ फेर के भागता है अजान की आवाज़ से। तो मनकूल तो रिवायत ये कहती है कि अजान से शैतान जो है ना, खुलासा ही निकल रहा है कि घबराता है, भागता है। और एक तरफ एक शख्स आपको कह रहा है कि अजान नहीं देनी चाहिए, साबित नहीं है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम कह रहा है कि अजान से शैतान भागता है, और शैतान ये कह रहा है कि अजान मत दो। तो मतलब ये बन रहा है कि शैतान अजान को रोकना चाह रहा है, वो चाहता है कि नहीं दी जाए। इसमें जो है ना सबसे अहम और बुनियादी उसूल ये है इस किस्म के मसाइल में, कि जो भी बदअकीदा आपसे ये कहता है कि सही हदीस में इसका जिक्र नहीं है कि कोरोना वायरस के जहूर के वक्त में आप लोग छतों पर अजान दें, अव्वल तो ये कि उस वक्त में तो ऐसा कोई वायरस था भी नहीं जो ऐसा कोई हुक्म आता। दूसरी चीज़ ये है, इसका जवाब जो आसान सा वो ये है कि सूरह फातिहा को शिफा बताया गया है, कि सूरह फातिहा शिफा है तमाम बीमारियों के लिए। तो जो बीमारियां हुजूर अलैहि सलाम के वक्त में थी, ये वहीं तक शिफा है, ये जो आज है यहाँ भी शिफा है। अगर मैं कहूँ कि कोई शख्स कोरोना वायरस वाले को, कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा सूरह फातिहा पढ़ के दम कर देना, तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप लोगों को इस पे ईमान होगा या नहीं होगा कि कोरोना वायरस सूरह फातिहा से ठीक हो सकती है? मैं ये समझ रहा हूँ कि मुसलमानों का ईमान तो होगा, जो सुन्नी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, उनका ईमान होगा कि हाँ सूरह फातिहा में शिफा है। तो अगर कोई अल्लाह ताला का नेक बंदा सूरह फातिहा पढ़ के भी कोरोना वायरस जैसे मर्ज़ पर दम कर दे, तो उसका मरीज़ जो है ना शिफा पा जाएगा। अब इसमें कोई खड़ो के चिल्लाने लगे बदअकीदा के सूरह फातिहा से कोरोना नहीं, कोरोना वायरस में सूरह फातिहा दम की जा सकती है, ये हदीस में कहाँ लिखा है? तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि एक जाब्ता बयान किया जाता है, कायदा बयान किया जाता है कि शिफा इसमें है, तो इसका मतलब ये है कि सारी बीमारी इसको आ गई, यानी इसमें दाखिल हो गई ना। तो इसका मसला यही है बिल्कुल, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, ये दीगर हदीसों के अंदर भी है परेशानी के वक्त में अजान देने का, बल्कि मुसीबत के आग के वक्त में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तकबीर पुकारने का हुक्म दिया है। तो आग क्या है, कोई खेलने की चीज़ तो नहीं है, जाहिर है कि एक ऐसी आफत है जी, अगर बस्ती में लग जाए, या इसी तरीके से अगर दूसरे जो फुकहा ने फरमाया है, बुजुर्गान दीन ने, कि अगर जानवर वगैरह भी काबू ना आता हो, ऐसा जानवर है कि जो बिदक जाए और किसी तरह काबू ना किया जा सकता हो, और वो उन हंगामी हालात पैदा कर रखे हों बस्ती में, तो ऐसी सूरत में अजान उसको भी दी जा सकती है जानवर के बिगड़ने के वक्त में। इसी तरह बारिश वगैरह ऐसी कसरत के साथ होती हो, लोगों का निकलना घरों से दुश्वार हो जाए और बहुत नुकसान हों, यानी ऐसी आंधी तूफान वाली बारिश हो, तो ऐसी सूरत में भी अजान दी जा सकती, यानी मुसीबतों के वक्त में अजान दी जा सकती है। खुलासा कलाम ये है। तो अब कोरोना वायरस को ये लोग मुसीबत नहीं समझ रहे, पहली चीज़ के अजान से क्यों मना कर रहे हैं, या ये शैतान है कि जो अजान से चल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं सबसे अहम ये बताऊँ आपको, कि ये लोग ये दोगली बात कर रहे हैं। दोगली बात किस तरह से, अजान देने से क्या होगा, छतों पर आप लोग अजान दे रहे हो, अल्लाह का जिक्र करो, अस्तगफार करो, दुआ करो। मैं पूछना चाहता हूँ, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तमाम जिक्र दुआ हैं और तमाम दुआ जिक्र हैं। तो आप ये कहते हो कि घर में दुआ करो, घर के अंदर जिक्र करो, दुआ करो, तो अजान क्या है? अजान जाहिर है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है दुनियावी। तो अजान ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला का नाम भी है और उसके हबीब का नाम भी है। तो जब अल्लाह रसूल का जहाँ जिक्र होता है ना, वहाँ पर रहमतों का नुजूल होता है, वहाँ पर रहमतें नाजिल होती हैं। तो जब सारे मुसलमान मिलकर अपनी बस्तियों में अजान देंगे, तो जाहिर है अल्लाह ताला उस बस्ती को तो कम अज़ कम इस बला से महफूज रखेगा। फिर वो दुआ भी करेंगे इस अजान की बरकत से।
तो जहाँ पर रहमतों का नुजूल होगा, तो ये अजान भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे रोका जाए, यानी समझ में भी बात नहीं आ रही है रोकने वाले किस बुनियाद पर इसको रोक रहे हैं। आला दर्जे के ये लोग ना बेअकल हैं मना करने वाले, कि सही हदीस में अजान का जिक्र नहीं है, हालांकि बहुत सी हदीसों में अजान देना परेशानी में मुसीबत में हुजूर अलैहि सलाम से साबित है। नहीं, अजान नमाज के सिवा भी बहुत सारे महलों मौके पर दी जा सकती है। हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के कान में हुजूर अलैहि सलाम ने अजान जब गम ज़दा पाया तो आपने सुना होगा कि अजान दिलवाई। तो इसका कोई ये ख़ास ताल्लुक नहीं कि आप लोग सिर्फ नमाज के लिए अजान दें। तो अगर घर में अजान कोई देना चाहे, छत पे देना चाहे, तो शरीयत के तौर से इसमें देखा जाए तो कोई ख़राबी नहीं। दूसरी बात यह है कि काम जो है ना वही मना होगा कि जो शरीयत से टकराता होगा या शरीयत में उसकी इजाज़त ना हो और वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। ये कहते हैं जी हुजूर या साहब से चीज़ साबित नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इस्लाम के अंदर इतने काम मौजूद हैं जो हुजूर और सहाबा से साबित नहीं हैं, और वो जायज़ ना कि सिर्फ जायज़ बल्कि सवाब भी हैं। इन लोगों को अगर आप एक मिसाल दोगे मस्जिद की मीनार वाली, तो ये पुरानी मिसाल हो गई है, आप लोग इसे काट कर देते हैं कि ये कोई ऐसी, यानी आप कोई ऐसी मिसाल दोगे ना इनको दुनियावी, तो ये उसको कहते हैं तो दुनिया की चीज़ है, ये कोई दीन नहीं है, तुम लोग ये दुनिया समझ के करना एक अलग चीज़ है, दीन समझ के करना एक अलग चीज़ है। तो मैं इनको ये बताता हूँ दीन समझ के करने वाली कोई मसला नहीं होता, असल मसला होता है सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो काम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा ने किया उन पर तो सवाब यकीनन मिलना ही मिलना है, लेकिन उनके बाद ऐसे हज़ारों काम हुए और आज तक होते हैं कि जो बंदा करता है मुसलमान करता है और उसको उस पर जो है ना अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नामा अमाल में सवाब लिखा जाता है और वो काम साबित नहीं होता। अब इसकी छोटी मिसाल लें, जो लोग अजान देने के लिए कह रहे हैं कि अजान देने से क्या फ़ायदा, मैं पूछना चाहता हूँ अजान देने से अगर फ़ायदा नहीं तो अजान देने से नुकसान क्या है? यानी क्या ये कोई ऐसा नाजायज़ काम है, गुनाह का काम है कि अगर बंदा अल्लाह रसूल का नाम पुकार रहा है तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जायज़ काम में कि जो शरीर से ना टकराता हो मना करना जहालत की बदअकीदगी की बू इसमें जो है ना आती है, और जहालत तो आला दर्जे की है ही कि हर चीज़ को ही है कि हदीस में हो, हर चीज़ ज़ाहरी तौर से हदीस में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं, कायदे जाबते मौजूद होते हैं उसकी बिना पर हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, जैसे कि मैंने सूरह फातिहा का बताया कि शिफा कह दिया गया। तो अब कोई सी भी बीमारी हो सबके लिए शिफा है, ये ज़रूरी नहीं कि हुजूर के वक्त में जो बीमारी थी बस उसके लिए वो शिफा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह अगर अजान दी जाएगी बस्ती में तो वहाँ पर रहमतों का नुजूल होगा, क्योंकि हर दुआ जो है वो जिक्र है और हर जिक्र दुआ है। अब आप कहते हो जी अल्लाह का जिक्र कर लो तो अजान क्या है, अल्लाह का जिक्र है, तो अब करने को बोल भी रहे हो और जिक्र से रोक भी रहे हो। और जी कहते हैं घर में बैठ के दुआ करो, बुज़ुर्ग कहते हैं कि हर जिक्र दुआ है, तो मतलब ये हुआ कि अजान भी एक दुआ है। तो अब बंदा दुआ भी कर रहा है और उससे कह रहे हो नहीं अजान मत पढ़ो लेकिन दुआ करो, तो ये तो वही बात हुई किसी को रोटी खाने से मना करना और ये कहना कि खाना खाओ रोटी मत खाओ खाना खाओ, तो बेअक़ल लोगों, रोटी और खाना के अलग अलग चीज़ है। तो इसी तरह दुआ और जिक्र ये दोनों अजान है, अल्लाह रसूल का जिक्र करनी चाहिए पढ़नी चाहिए। दूसरी इसमें अहम चीज़ में जो बताने जा रहा था वो ये थी कि अगर आप इनसे पूछेंगे ना कि दीन का काम आप YouTube के ऊपर जो है ना कर रहे हो लोगों को बता रहे हो, क्या ये काम सहाबा से या नबी से साबित है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह दीन फैलाया हो, तो ये कहेंगे तो ये एक ज़रिया है दीन फैलाने का, ज़रिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलें ज़रिए से आगे बढ़ते हैं, मसला ये है कि ऐसा करने से आप लोगों को इस पर सवाब भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपका यकीन ये है कि ऐसा करने से सवाब मिलेगा तो किस हदीस से साबित है कि ऐसा काम के जो सवाब समझ के आप कर रहे हो और हुजूर से साबित नहीं, क्योंकि यही मिसाल देते हैं ना जो बदअकीदा लोग होते हैं 24 नंबर, तो वो यही कहते हैं कि सवाब समझ के नहीं कर सकते, दीन समझ के नहीं कर सकते। तो आप यूट्यूब पे जो ये लेक्चर दे रहे हो यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो आप बकवास कर रहे हो कि अजान नहीं देनी चाहिए, तो क्या यूट्यूब के ऊपर बैठ कर इस तरीके से दीन फैलाने पर आपको सवाब मिल रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि जायज़ है नाजायज़ सहाबा से साबित नहीं, साहब मैं ये नहीं पूछ रहा, ये तो पुरानी बात हो गई आपके पास ना, इसका जो है ना आपने बड़ी चलाकी से जवाब जो है ना तलाश लिया वो घुमाने वाली बात लोगों को, जी नहीं ये तो एक ज़रिया है और ये तो दुनियावी चीज़ें दीन और सवाब। मैं बोल लूँ दीन और सवाब समझ के नहीं करना चाहिए, तो यूट्यूब के ऊपर आप लोगों का दीन फैलाना ये सवाब इस पर मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? अगर मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, कि सवाब का काम तो वही होता है कि जो हदीसों से साबित हो जैसा कि अजान, और अगर आपको ऐसे काम पर के जो हदीस से साबित भी नहीं है लेकिन आप नेक समझ के कर रहे हो और आपको सवाब मिल रहा है, तो ए बदबख्तो अजान जबकि कोरोना वायरस के वक्त में दी जाए तो इस पर मोमिनों को सवाब क्यों नहीं मिलेगा? तो जाहिर सी बात है इस पर सवाब जो है ना मिलेगा। आप लोग इनसे पूछें यूट्यूब पर
किस पे सवाब आपको है या नहीं। अगर सवाब नहीं मिल रहा तो क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यूट्यूब पे बैठ के, दूसरे काम धंधे कर लो। जाहिर है कि आप ये लोग समझ रहे हैं कि इस पे सवाब मिलेगा, ये नेकी का काम समझ के कर रहे हैं। तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना, लोगों को सिखाना नेकी का काम समझा जा रहा है, दीन समझा जा रहा है, सवाब समझा जा रहा है, और वही काम अगर सुन्नी मुसलमान कर रहे हैं तो उसको कहते हैं बिदअत है, कहीं से साबित ही नहीं है ऐसे वक्त में ऐसा किया जाए। तो साबित तो यूट्यूब पे दीन फैलाना भी नहीं है, लेकिन आप लोग इसको सवाब जान रहे हैं कि नेकी है और दूसरे ज़रिए से अपनाई जा सकती है। नेकी का काम अगर टेक्निकली तौर से किया जा रहा है तो इसमें सवाब ज़रूर मिलेगा। तो खैर वैसे ही जो है ना वो अजान दी जा सकती है, जो लोग दे रहे हैं उनको देनी चाहिए। जिन बेअक्लों की समझ में नहीं आ रही, बहुत बड़े मुहद्दिस जो है ना कमेंट्स में बन रहे हैं कि सही बात है, सही हदीस से साबित नहीं है, तो जो यानी वो रटी रटाई बात है, गूगल के मुकल्लिद हैं असल में, तो कभी इनके घर ख़ानदान के अंदर भी ऐसा मामला नहीं रहा दीनी या दीन से रिलेटेड कोई बात। तो ऐसे ही अक्सर लोग हैं जो बहकावे में आते हैं, फिर जो अजान देने वाली वीडियो है ना उसके कमेंट्स में जाके हदीस से साबित है, तो ऐसे मुहद्दिस बनते हैं जैसे सारी हदीसें इन्होंने पढ़ डाली और इनको नहीं मिली कहीं भी हदीस, इस तरह से पूछते हैं हदीस में से साबित है। तो अजान दी जा सकती है। दूसरी बात यह कि अभी जो ऐलान हुआ है कि भाई इजमाई तौर से छतों पर अजान दें 10 बजे के टाइम, ठीक है उसमें वक्त फिक्स करने में भी कोई कराहत नहीं है। अगर किसी से ऊँच नीच हो जाए तो दिन में अपने कभी भी दे सकता है, मसला ये है, इसको लाजिम ज़रूरी ना समझे कि 10 बजे ही दिया जाए। और 10 बजे का जब रिवाज ख़त्म हो जाए तो आप अपने घर में भी अगर चाहें ना आम हालात में भी अजान दे सकते हैं, कि अगर कोई चाहे कि हफ्ते में एक बार अपने घर में अजान पढ़ूँ ताकि अगर कोई बुरी बला वगैरह घर के अंदर हो इस तरीके की तो वो ना रहे, अल्लाह की रहमत हो। तो रहमत हासिल करने के लिए घर में अपने गैलरी में रूम में अजान दी जा सकती है और हर 12 महीने दी जा सकती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर इजमाई तौर से दी जाए तो कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि मुसलमान जिस काम को अच्छा समझ के नेक समझ के करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो काम भी पसंदीदा ही होता है। तो अगर तमाम सुन्नी मुसलमान अजान को ज़ाहिर है गुनाह समझ के तो नहीं पढ़ रहे, नेक समझ के ही पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी ऐसा काम कि जो खिलाफ शरीयत ना हो, शरीयत से टकराता ना हो, जायज़ हो और मुसलमान उसको करते हो, तो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा काम है। और अजान क्योंकि अल्लाह रसूल का जिक्र है तो फिर इसमें तो बिल्कुल कराहत नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को शायद बात समझ आ गई होगी अजान के ताल्लुक से। अब जिनकी अकल पे यानी दिलों में और कानों में, जिनके दिलों में और कानों में मोहर लग गई है तो फिर उनसे कहने का फ़ायदा ही नहीं। तो आप लोग परेशान ना हो जो सुन्नी मुसलमान है, उलमा ने इसका बयान किया है कि आप लोग अजान देने चाहे दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सबसे बेहतरीन चीज़ बताऊं, हर बिदअत तो गुनाह नहीं, ये किताब है, गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगी और हो सकता है मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हो, हर बिदअत तो गुनाह नहीं। तो आप उसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे ना आप बदअकीदों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इसमें अजान का भी जिक्र है, कब्र पे अजान का मसला आप पढ़ लें तो आप अजान के फ़ायदे जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ देनी है, किस किस सूरत में देनी है, इसके क्या क्या फ़ायदे। तो अभी आप लोग खाली भी बैठे हैं तो वक्त निकाल के उस किताब को डाउनलोड कर लें, हर बिदअत गुनाह नहीं। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि हर बिदअत गुनाह नहीं होती, अजान के उसके अंदर फ़ायदे हैं। ज़रूर पढ़ें, लोगों को भी शेयर कर दें, बाकी अजान दी जाए कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है।